Yes, students, settle down fast. So, बेटा टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर चैप्टर लाइट. ठीक है, लाइट आपने अच्छे से पढ़ लिया है, सारा अंडरस्टैंड कर लिया है. यस, रेज योर हैंड. लाइट सबको समझ आ गया है ना चैप्टर? रेज योर हैंड. यस, सेवन थे. लाइट समझ आ गया बेटा? रेज योर हैंड अगर आ गया है तो. ओके, सेवन्थ बी. ओके, सेवन सी. ओके, सेवन ई. यस, सेवन ई. समझ आ गया बेटा लाइट चैप्टर? सेवन जी. ओके, सो जिनको थोड़ा बहुत डाउट है, कंफ्यूजन, उसको आज हम क्लियर करते हैं. ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार आपकी छुट्टियों से पहले, ताकि आप छुट्टियों में पढ़ो तो आपको अंडरस्टैंड हो जाए जो भी थोड़ी बहुत अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी. ठीक है, सो नाउ फर्स्टली, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू कॉल वन बाय वन. मैं एक एक करके बुलाऊंगी बेटा. ठीक है, सो आई एम कॉलिंग फ्रॉम सेवंथ ए फर्स्ट. आर्यन इज देयर? सेवंथ ए आर्यन. अगर नहीं है बेटा, जो जिसके पास माइक है फटाफट ऑन करके बता दे एब्सेंट. ओके, नाउ ये जिसके पास माइक है वो मेरी क्लास का मॉनिटर है आज. जिस जिस क्लास में माइक जिस बच्चे के पास है, दैट इज अ क्लास मॉनिटर, एंड दैट विल टेल मी हु इज प्रेजेंट और एब्सेंट इफ आई एम कॉलिंग समवन्स नेम. ठीक है, सो आर्यन फ्रॉम क्लास सेवंथ इज प्रेजेंट और नॉट? हु इज हैविंग माइक? टर्न ऑन Two एंड. are in are there? ओके गुड बेटा. जसमीन, जसमीन इज, जैस्मीन इज देयर? Yes. ओके जैस्मीन बेटा आप आ जाइए. और हरप्रीत इज देयर? हरप्रीत I'm absent. एंड खुशी. ओके, खुशी एंड जैस्मिन. ठीक है, जैस्मिन बेटा आप मुझे बताओ ये फर्स्ट इमेज कौन से मिरर की है, कौन सा मिरर है ये? I'm concave. ओके, आप कह रहे हो कौन के? खुशी. बी वाली कौन सी है? कॉनवेक्स. कॉन्वेक्स. अब मुझे कोई रीजन बता सकते हो आप दोनों कि क्यों आपने इसको कॉनकेव का और इसको कॉन्वेक्स का रीजन? हमें कैसे, आपको कैसे पता चला ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है? कुछ तो देखा होगा इस इमेज में कि आपको पता लग गया ये कॉनकेव है ये कॉन्वेक्स है. यू बोथ आर राइट, यू बोथ आर राइट. ठीक है, आप दोनों ही सही हो, जैस्मिन एंड खुशी. यस, इट्स कॉनकेव. ठीक है, सभी बेटा ये क्वेश्चन लिखेंगे और इसको ड्रॉ करके ऐसे लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम. दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दैट मे कम इन योर एग्जाम. ओके, कॉनकेव एंड दिस इज कॉनवेक्स. यू आर राइट, बट मुझे ये पूछना है हाउ यू कम टू नो दैट दैट दिस इज ए कॉनकेव एंड दिस इज ए कॉनवेक्स. कैसे पता चला? कुछ ऐसा है इसमें जिससे हमें पता लग रहा है ये कॉनकेव है कॉनवेक्स है? कॉनकेव Cave mirror is polished. मिरर इज पॉलिश. बोथ आर पॉलिश्ड, बोथ आर पॉलिश्ड बेटा, तभी तो मिरर बना. अगर हम इसे पॉलिश नहीं करेंगे हम इसे मिरर कह सकते हैं? कैन वी कॉल प्लेन ग्लास अ मिरर? अगर मैं आपको यहाँ पर, एक मिनट, मैं आपको प्लेन ग्लास दिखाती हूँ. ओके, एंड यू हैव टू टेल मी कैन वी कॉल इट अ मिरर? ठीक है, कौन अब ये मेरे पास है, दिस इज अ मिरर, यू कैन सी द रिफ्लेक्शन. इसमें आप अपने आप को भी देख सकते हो थोड़ा बहुत. ठीक है, सो दिस इज अ मिरर. अब ये मिरर, और अगर मेरे पास यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये ग्लास है, क्या ये सेम है? बोथ आर सेम, नो डिफरेंट है ना बेटा? सो दिस इज अ प्लेन ग्लास, दिस इज अ मिरर. सो बोथ आर मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बोथ आर मिरर, दीज आर नॉट ग्लासेस. क्योंकि ग्लास अगर हमने कह दिया तो बेटा वो रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कांट कॉल इट
ग्लास, दीज आर मिरर्स, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब आपने कहा पॉलिश्ड है कॉनकेव, कॉन्वेक्स पॉलिश नहीं है। सोचो। अच्छा ये क्या बता रहा है, चलो ये बताओ मुझे, और दिस थिंग इज टेलिंग, ये चीज क्या बता रही है, ये वाली जो चीज है, ये जो हमने ऐसे यहाँ पर किया हुआ है दोनों साइड, हेयर ऑल्सो इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, बट दिस थिंग इज टेलिंग अस, इससे हमें क्या पता चल रहा है, पॉलिश पॉलिश्ड सरफेस। सरफेस। हु सेड दैट, सेवंथ डी से फर्स्ट बेंच बॉय, क्या नाम है बेटा आपका, मनजोत सिंह। मनजोत सिंह, यस यू आर राइट। सो जैस्मीन एंड खुशी, व्हेन वी आर सेइंग दैट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, सो तो पहले ही पता है कि बोथ आर मिरर, है ना, जब मैंने बोल ही दिया, इवन क्वेश्चन इज कि मिरर क्या है, इनका नाम क्या है, सो इट मीन्स ये दोनों मिरर है, हमें नाम बताना है सिर्फ। अगर हम किसी चीज को मिरर कहते हैं, इफ वी आर कॉलिंग समथिंग अ मिरर, अगर मैं इसको मिरर कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, उसका बैक स्पेस देखो बेटा, ये पॉलिश्ड है, ये देखो यहाँ पर इसके बैक स्पेस में हमने ये सरफेस जो है इसको हमने पॉलिश किया, तभी इसका फ्रंट वाला हमें जो है एज सच दिख रहा है। अगर ये पॉलिश नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, ये जो पानी का ग्लास है जिससे आर पार हमें दिख रहा है, ठीक है, अगर हम इसको भी एक साइड से पॉलिश कर देंगे तो ये भी वर्क एज अ मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स का हमें कैसे पता चला, आप दोनों ने सही आंसर दिया, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला, अगर हम बाहर की साइड, ठीक है, अगर हम बाहर की साइड पॉलिश करते हैं और अंदर की साइड से देखते हैं, ठीक है, तो वो कॉनकेव है। उसी का ऑपोजिट, अगर अंदर की साइड हमने पॉलिश कर दी है, अगर आप अपने हाथ के ऐसे बैंगल्स बनाओ, चलो सभी बनाओ, ठीक है, सभी ऐसे बनाओ, चलो डू इट फर्स्ट। अब आपके ये बन गया स्फीयर, स्फेरिकल मिरर्स है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब मैं इसको बाहर से पॉलिश कर दू, अपने हाथ को बाहर से आप पॉलिश कर दो, तो आपका अंदर वाला सरफेस कैसा नजर आएगा, रिफ्लेक्टिंग, उसमें आपको अपनी इमेज नजर आएगी, शक्ल दिखेगी, तो ये अभी कौन सा बन गया, जब आपने बाहर से किया कॉनकेव, ये बन गया कॉनकेव, ठीक है, जब आपने बाहर से इसको वो किया पॉलिश किया इसको, अगर अब मैं इसको अंदर से कर दूं, यहां अंदर से और बाहर से, अब हमने नहीं किया, अब बाहर वाला रिफ्लेक्ट करेगा, बाहर वाले में हमें अपनी फोटो नजर आएगी, शक्ल दिखेगी, तो वो क्या बन गया, कॉन्वेक्स। अब बस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है, पॉलिश कहाँ हो रखा है, अगर बाहर हुआ है तो कॉनकेव, अगर अंदर हुआ है तो कॉन्वेक्स, ठीक है, क्लियर, दोनों अभी दोनों ने आंसर सही दिया, लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए आपने बोला क्यों है, ठीक है, गॉट इट, सिट डाउन, वेल डन, ठीक है। सो अब सभी को पता है, चलो सारे एक साथ बोलो, माइक ऑन करो और मुझे बताओ, कॉनकेव में पॉलिश कौन सी साइड होता है, आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड आउटसाइड, आउटसाइड, और कॉन्वेक्स में इनसाइड होता है आउटसाइड होता है, इनसाइड। इनसाइड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो सबने लिख लिया, नोट डाउन किया है, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू इन टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मे कम इन योर एग्जाम, सो बी प्रिपेयर्ड। नाउ अब आपने रे डायग्राम किए थे, यू ऑल हैव डन, एंड इवन सर, यू नो सर ने जो एक्सप्लेन किया था, टॉट यू वेरी वेल, एक एक चीज बहुत डीपली आपको बताई थी। सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू, राइट डाउन इन योर नोटबुक, इफ इंसिडेंट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव, जो भी अभी मैं पूछूंगी वो कॉनकेव मिरर का है, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स में सिर्फ दो ही था दैट यू कैन डू, कॉनकेव, ठीक है, इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर, इफ इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से जाएगी, फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्टेड लाइट विल पास, किस किस को इसका आंसर आता है, हैंड रेज करो, और शैल आई कॉल वन बाय वन, चलो अब सेवंथ बी को बुलाते हैं, पहले सेवंथ ए हो चुका है,
बी से, जिसके पास माइक है उसकी आज क्या है, ड्यूटी है, मॉनिटर है, वो मुझे बताएगा बच्चा है या नहीं है, ठीक है। सो सेवंथ बी लवदीप इज देयर, सेवंथ बी लवदीप। हाँ जी बेटा, हाँ मुझे बताओ, ये आपको क्वेश्चन पहले समझ आया? माइक ऑन करो बेटा, जूम से पहले, जूम से ऑन करो, जूम से बंद है, टर्न ऑफ, टर्न ऑन द माइक। मैम यस तो बेटा क्या है इसका आंसर? मैम, प्रिंसिपल फोकस है आंसर। दैट्स रियली गुड, वंडरफुल बेटा। सो किस किस को ये आंसर आता है? हैंड रेज करो पहले, ध्यान से करना, मैं पूछने वाली हूँ जिन जिन्होंने हैंड रेज किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। काफी लोग नीचे हो रहे हैं, ओके मुझे कहीं कहीं के अभी तक खड़े हैं। हाँ दैट्स रियली गुड, यू हैव गुड कॉन्फिडेंस, दैट्स रियली गुड। अब बेटा जिनको आता है दैट इज फाइन, जिनको नहीं आता मीन्स यू नीड टू रिवाइज इट अगेन। इंसिडेंट लाइट क्या होती है? व्हाट इज इंसिडेंट लाइट? कौन बता सकता है व्हाट इज इंसिडेंट लाइट? मैम जो सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है, मैम जो सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है। अब मेरे पास बेटा ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, सपोज कर लो ये लाइट है, ये बॉल नहीं है लाइट है। अब अगर मैं इसको कहीं फेंकती हूँ, वॉल के अगेंस्ट फेंकती हूँ या फ्लोर के अगेंस्ट फेंकती हूँ, ठीक है, जमीन पे फेंकती हूँ, ये जा रही है, अभी ये कहीं जा रही है और टकराएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट, ठीक है। ये देखो मैं अगर इसे नीचे फेंकती हूँ, वापिस आ गई, ये वापिस आ गई, थोड़ा जोर से फेंकती हूँ शायद से ऊपर तक आपको दिखे कि रिफ्लेक्ट होके आ रही है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होके आगे चली गई, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट, कोई चीज गई ऐसे गई, ठीक है, ऐसे गई और वापस आ गई। रबर बैंड है, ठीक है, अगर ये मेरे पास ये रबर बैंड है, इसको मैं खींचती हूँ और फिर वापस आता है, बाउंस बैक हो रहा है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज वी कैन रिलेटेड विद द रिफ्लेक्शन। अब इंसिडेंट क्या हो गया? जो चीज आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है। अब जब वो कोई लाइट की क्या प्रॉपर्टी है बेटा, जब वो किसी ओपेक चीज से, सभी चीज से हो जाती है रिफ्लेक्शन। आपने ओटीटी पढ़ा है ना, सर ने आपको ओटीटी पढ़ाया था, क्या होता है ओटीटी? हु कैन टेल मी? ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, दैट्स रियली गुड बेटा। अब आपको ये पता है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है ओपेक क्या होता है। जैसे आपका डेस्क क्या है, फटाफट बताओ आपका डेस्क क्या है? ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट गुड। आपकी बुक्स क्या है? ओपेक दैट्स रियली गुड। ग्लास की विंडो का ग्लास कैसा है? दैट्स रियली गुड। चलो आपका ये भी रिवीजन हो गया, आपको पता है इसका मतलब, सच ए गुड स्टूडेंट्स यू आर। सो अब कोई चीज रिफ्लेक्ट करेगी तो कहां से करेगी, कौन से ओटीटी वाले से करेगी? ओपेक से, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मुझे देखो यहाँ पर ना मिक्स आंसर, कुछ कईयों ने कहा ट्रांसपेरेंट, कईयों ने कहा ओपेक। अब मुझे बताओ बेटा, तुम्हारी जो फोटो है ये ओपेक है, मिरर इज ओपेक, क्योंकि इसके पीछे पॉलिश कर दिया है, लाइट आर पार नहीं जा रही, तो आप अपने आप को देख सकते हो इसमें, यू कैन सी योर सेल्फ। अब ये पानी का ग्लास है, इसमें आप अपने आप को नहीं देख सकते, इसमें आर पार आपको बोर्ड दिख रहा है पीछे, कैन यू सी? ये देखो अक्षर दिख रहे हैं यहाँ पर, कैन यू सी दैट? इट इज अ ट्रांसपेरेंट, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग लाइट, लाइट को ये जाने दे रहा है। कैन यू सी दिस डिफरेंस, यस और नो? यस तो इससे हमें क्या पता चला, रिफ्लेक्शन कहां से होगी, ट्रांसपेरेंट से या ओपेक से? बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ट्रांसपेरेंट से कैसे हो जाएगी, पहले बहुतों ने आंसर दिया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट इज रॉन्ग। कभी हवा में देखा है कि अपनी आपकी इमेज बन रही है? नहीं, ओपेक में बनेगी, जहां से लाइट पास नहीं कर पा रही, जहां से लाइट वापस बाउंस होके आ रही है, ठीक है, बाउंस होना इज इंपॉर्टेंट। अगर वो वापस नहीं आएगी आपको नहीं दिखेगा,
अगर आपकी बॉल आपने वॉल पे मारी है वापस नहीं आएगी, आप कैच कैसे करोगे? अगर वो आपने बहुत ही दूर फेंक दी है, कोई पता ही नहीं है, पानी में चली गई, कहाँ से पकड़ोगे? ठीक है, वापिस आनी चाहिए, आपकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए वो टकरा के लाइट, तभी यू कैन वॉच इट, यू कैन सी योर इमेज. गॉट इट? व्हाई व्हाई वी नीड अ पे? बिकॉज सो दैट लाइट कम बैक टू योर आईज एंड यू कैन सी द इमेज. आंखों तक अगर इमेज नहीं आई, सॉरी लाइट नहीं आई रिफ्लेक्ट होके, आप नहीं देख सकते, और दैट्स व्हाई अंधेरे कमरे में हम नहीं देख पाते. ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं है. अगर रिफ्लेक्शन होना है उसके लिए हमें लाइट जरूरी है. गॉट इट? सो यू शुड अंडरस्टैंड, ये छोटी छोटी चीजें दैट यू शुड अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कैसे जो है ये लाइट जो है यहां से रिफ्लेक्ट करेगी. तो सब ड्रॉ करो, एवरीवन बनाओ पहले कॉनकेव मिरर, एवरीवन ड्रॉ दिस. सबसे पहले ऐसे बनाओ, फिर यहां पर हम सेंटर में क्या बनाते हैं, पी. यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले आता है एफ, फिर आता है सी. अभी ये एफ और सी सभी को पता है ना, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पीस पोल. यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ दीज टर्मिनोलॉजी और दीज एब्रिवेटेड फॉर्म्स. ठीक है, ठीक इसको अच्छे से ड्रॉ करो पहले. ये वाला डायग्राम जो है ना बेटा, ये आपने हर एक में बनाना है, जो चार रूल्स हैं उसमें ये एक मेन ढांचा है. दिस इज द फ्रेमवर्क दैट यू शुड ड्रॉ इन एवरी रूल. चार रूल्स हमने पढ़े हैं, चारों के चारों में ये बनेगा. सबसे पहले आपने ये बनाना है, फिर उसके बाद सोचना है कि हमने क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू. सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना दिया और उससे एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसका नाम सी एफ पी कर दिया 3 पॉइंट्स पे. ठीक है, सबने सबसे पहले ये चीज करनी है. अगर आपके पास जो है मिरर का रे डायग्राम आता है, फॉर कॉनकेव ओनली, इट्स नॉट फॉर कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स का उल्टा होता है बेटा, दैट आई विल टेल यू. अब क्वेश्चन क्या है, इफ इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर इज प्रिंसिपल एक्सिस, हु कैन टेल मी वेयर इज प्रिंसिपल एक्सिस? कहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस, किसको कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, कौन बता सकता है? ये 7th वी फर्स्ट बेंच, आ जाओ बेटा. मैम, द लाइन वी हैव ड्रॉन थ्रू द पोल. यस, दिस इज द लाइन बेटा, है ना, ये वाली लाइन जो भी हमने ड्रॉ की है पूरी की पूरी, इट्स अ प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. यस यू आर राइट. ठीक है, सो लेट मी इरेज इट अगेन एंड ड्रॉ दिस. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है. अब क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ इंसिडेंट लाइट, ओके, द क्वेश्चन इज इफ इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल क्या होता है, हु कैन टेल मी व्हाट इज पैरेलल? मैथ्स में पढ़ा है ना, चलो बताओ, चलो मैथ्स का भी पता लग जाएगा कितना याद है. पैरेलल क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस के साथ में होती है. मैम, ना ना, मैं तो ये पूछ ही नहीं रही, मैं तो पैरेलल पूछ रही हूँ क्या होता. अपने अपने मैथ्स में पढ़ा है ना पैरेलल रेस, है ना, पैरेलल लाइंस क्या होती है? अच्छा मुझे बताओ भी, आप सारे क्लास में बैठे हो, आपकी जो रोज है वो पैरेलल है या नहीं है? तो दूसरे को मीट नहीं करती. आप, आपकी क्लास की जो रोज है वो मीट कर रही है? नो तो आपकी क्लास की रोज क्या है फिर? ठीक है, सो दिस इज पैरेलल. अभी अगर अपने हाथ अगर हम ऐसे रखें, सब अपने हाथ ऐसे रखो, कीप इट लाइक दिस, सब सीधे एकदम, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, मेरे सीधे दिख रहे हैं ना, लाइक दिस, सीधे एकदम सबके. एवरीवन 7th बी फर्स्ट बेंच गर्ल, 7th है ये बेटा, क्या हो गया आपको, खाना नहीं खाया? सब
ऐसे यस। अब बताओ ये पैरलल है या नहीं है? ये पैरलल है, ठीक है। तो अगर हमारी लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट लाइट्स आमने सामने ऐसे है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। सब नीचे कर लो हैंड्स, ठीक है। सो नाउ अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है, दिस इज इंसिडेंट लाइट। कैसे पता चला इंसिडेंट है? क्योंकि ये शीशे की तरफ, मिरर की तरफ पॉइंट है। सबने ड्रॉ करना बेटा साथ साथ ऐसे, ये पॉइंटेड है टुवर्ड्स मिरर, सो इज इंसिडेंट, ठीक है। अब इंसिडेंट लाइट, अब लवदीप ने इसका आंसर सही दिया था, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट जब पैरेलली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो वापस आएगी तो कहां से आएगी? फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। सो नाउ इट इज कमिंग बैक एंड इट इज कमिंग थ्रू दिस प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इट विल कम लाइक दिस, यहां से कट के आ जाएगी, इसको पास करके यहां से आएगी। तो बेटा इट वॉज योर रूल नंबर वन दैट यू लर्न, सब इसको ड्रॉ करो। तो जब पहला जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो इट वॉज योर रूल नंबर वन दैट यू लर्न, जो आपने पढ़ा था। सबसे पहले हमने यहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है। सबने कर लिया, सबने ड्रॉ कर लिया दिस, ओके। तो चलो यस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन दिस क्वेश्चन अगेन। इट्स अबाउट कॉनकेव मिरर। इफ इंसिडेंट लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, पहले तो अभी हमने किया था कि प्रिंसिपल फोकस से वो रिफ्लेक्ट होते हुए जा रही थी, अब हम कह रहे हैं इंसिडेंट लाइट ही प्रिंसिपल फोकस से आ रही है या उसके उस पे पड़ रही है, उससे होते हुए जा रही है, तब क्या होगा? सो आई विल कॉल फ्रॉम 7C नाउ। 7C निखिल इज देयर, 7C निखिल, एब्सेंट अच्छा। पुनीत इज देयर, पुनीत, ओके। हर्षदीप, एब्सेंट बेटा कोई है क्लास में आज? देन खुशप्रीत, खुशप्रीत है ना, ओके ओके बेटा, खुशप्रीत आ जाइए बेटा। अब आप बताओ अगर जो है लाइट प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जा रही है, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड, वंडरफुल बेटा। अब बेटा हमने इससे पहले क्या किया था कि जब वो पैरेलल आ रही थी तो प्रिंसिपल फोकस से जा रही थी, अब हमने उसी को उल्टा कर दो, अब वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है फिर वो पैरेलल हो रही है, ठीक है। वही चीज हुई है, वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। पहले वो पैरेलल चली हुई थी, ये देखो इधर, पहले वो पैरेलल चली थी फिर वो प्रिंसिपल फोकस से जा रही थी, अब हम कह रहे हैं प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो फिर वो पैरेलल हो जाएगी, वही चीज है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस। गुड बेटा, सिट डाउन। सो सबने फिर से वो स्ट्रक्चर बनाना है कॉनकेव का, पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो, अगेन ड्रॉ कॉनकेव मिरर लाइक दिस। सबसे पहले आपने जो है हर एक डायग्राम में ऐसे जो है इसको बनाना है, सबसे पहले सभी ने हर एक कॉनकेव मिरर में ये चीज बनानी है, रे डायग्राम, फिर क्वेश्चन को समझना है, रट्टा नहीं लगाना, जो चीज पूछी है उसको वैसे ही ड्रॉ कर दो। अब बोला इंसिडेंट लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। अगर इंसिडेंट लाइट में यहां से जाना है तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, तो वो आएगी तो यहां तक ना, मिरर तक तो आएगी तभी रिफ्लेक्ट होगी, तो ऑब्वियसली वो कैसे आएगी? ऐसे को आएगी, है ना।
क्वेश्चन में दे रखा है ना कि अगर ये प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है, ठीक है, इट इज यू नो कमिंग फ्रॉम और पासिंग थ्रू दिस, सो हियर अगर इसने यहां से जाना है तो इसका रास्ता ऐसे ही होगा ना, यही रास्ता होगा और कोई तो रास्ता है नहीं। अब क्योंकि ये आ रही है सो हम उसकी एरो ऐसे कर देंगे। अब शीशे से टकरा के क्या होगा, जो पहले वाले में था, पैरलर टू तो प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट पैरलर है प्रिंसिपल एक्सिस के या फोकस से जा रही है तो वाइस वर्सा हो जाएगा बेटा, बस आपने ये ध्यान देना है। अब ये पैरलर हो जाएगा, अब टकराने के बाद वो पैरलर हो रही है, पहले क्या था इंसिडेंट पैरलर थी और फोकस से फिर रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, अब इसका उल्टा हो गया, वही चीज है, बस ये ध्यान रखना है आपने। अब ये फोकस से जा रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है सबको? फर्स्ट और सेकंड रूल बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट है और रिलेटेड है, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। सामने अगर आंसर देखो आप, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस, अगर आपने उसका फ्रेमवर्क बना लिया इट इज इजी, यू डोंट नीड टू क्रैम दिस, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ इंसिडेंट लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब पहले सबसे पहले वही अपना फ्रेमवर्क बनाओ, देन वी विल डिस्कस। सबसे पहले सबने कॉनकेव मिरर बनाना है, देन वी विल डिस्कस, ठीक है, उससे पहले हमने कुछ नहीं करना। ये हमने पी बनाया, ये हमने एफ, ये हमारा सी, सबसे पहले ये बना के हमने बैठ जाना है, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमारे सामने ये पड़ा होगा तब हम सोच सकते हैं कि हमें करना क्या है, ऐसे इमेजिनेशन नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये चीज यू नीड टू ड्रॉ। अब क्वेश्चन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाइए, कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम सेवंथ डी, दिलप्रीत इज देयर, सेवंथ डी दिलप्रीत, यस बेटा आ जाओ, बेटा खड़े हो फटाफट, कम फॉरवर्ड, रिवीजन चल रहा है, टेस्ट थोड़ी ना ले रही, डर क्यों रहे हो, चलो बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, इसमें कहीं दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, बच्चे माइक के पास सी से पता लग रहा है ना, हम सर्कल भी बनाते हैं तो बीच में डॉट बनाते हैं, सी लिख देते हैं, सी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा, देखो आता था ऐसे ही डर रहे हो, ठीक है, इतने होशियार बच्चे हो फिर डर जाते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब मुझे बताओ, सीधा क्वेश्चन है, हमने सीधा वहीं से चलना है, पूछा है इंसिडेंट लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से जानी है तो ऑब्वियस है जब जाएगी तो यहां पर ही टकराएगी, यहां तक तो रास्ता है ही, चलो पहले तो हम यही बनाते हैं, यहां तक ये यहां से आएगी ना, फिर से तो आएगी, ठीक है, ये आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, देन इट इज फॉलिंग ऑन दिस। अब किसको याद है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट कहां को जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसको याद है, सेवंथ एफ, यस, लास्ट रो, लास्ट बेंच बॉय, आ जाओ बेटा बाहर, यस आ जाओ आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है, मिमिट्री फ्लेक्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर यस सेम पाथ, दिस लाइट विल फॉलो द सेम पाथ, दैट्स गुड, ठीक है, तो यही लाइट वापस सेम पाथ फॉलो करेगी रिफ्लेक्शन के लिए, कोई अलग सा रास्ता नहीं चूज करेगी, तो रिफ्लेक्शन भी यहीं से हो रही है, आई भी इधर वापस भी ये, ठीक है, जैसे अगर आपकी क्लास में जो टीचर्स हैं वो क्लास में जो है एक रो के बीच में मूव कर रहे हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं वापस वहीं से आ रहे हैं, वैसे ही लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वहीं पर वापस आ रही है, ठीक है, सो सेम पाथ फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंस इन दिस केस, क्लियर, यस, यस दैट्स रियली गुड, आ जाते हैं नेक्स्ट, इफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन पी,
पोल। सबसे पहले आप अपने आप बनाओ, अब मैं नहीं बना रही डायग्राम। पहला वाला डायग्राम जो मैंने कहा है कि सब में फटाफट बनाना है फ्रेमवर्क, वो बनाओ कॉनकेव का सब। अब मैं जरा जूम करके देख रही हूँ आप सबका, ठीक है? ध्यान देना, जिसका नहीं दिखेगा मैं नाम लूंगी और गलत हुआ तो। मैं सबका जूम करके देख रही हूँ। यस सेवंथ जी बेटा बनाओ। सिर्फ फ्रेमवर्क कह रही हूँ, अभी ये नहीं कह रही लाइट इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट बनानी है ना, सिर्फ फ्रेमवर्क। क्या फ्रेमवर्क था? कॉनकेव मिरर और वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके 3 पॉइंट्स, सी एफ पी, सी एफ पी, ये बनाओ फ्रेमवर्क। यू शुड नो कि बेसिक क्या है कॉनकेव मिरर का। ओके अब अपना चेक करो कि इट इज लाइक दिस ओनली, और अगर गलत है उसको इरेज करके दोबारा बनाओ। सबने ऐसे ही बनाया है? फिर यस ऐसे बनाया है? कौन यस क्या बनाओ? फिर ऐसे बनाया है? अरे वाह, बहुत ही सही बनाया फिर तो। अब देखो लाइट कहाँ पड़ रही है, तो पर अब पोल तक हम कैसे लेके आएंगे? लेट्स सी कि हमने पोल तक लेके आनी है, कैसे लेके आए। अब ये पोल है तो पोल तक आनी है तो पैरलर तो नहीं आ सकती ना, ऐसे ही आएगी। अब इस पे एरो लगा दो, हम लेके आ गए। देखो क्वेश्चन में गिवन है तो हमारे पास इजी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि पोल में आनी है तो हमने सीधा पोल पे जाके लाइट डाल दी। अब क्वेश्चन आ जाता है, आफ्टर फॉलिंग ऑन पोल हाउ लाइट विल रिफ्लेक्ट और विच पाथ लाइट विल चूज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे? पहला कैसे जाएगी बेटा? Yes, कैसे जाएगी? अच्छा इसका आंसर पता क्या है? बहुत ही इजी है। कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है ना, ये कैसे पैर जाएगी? जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर गया था ऐसे आई थी, सेम ही रास्ते से चली गई। इसमें भी ऐसे आई है, ऐसे ही वापस बाउंस हो जाएगी सेम एंगल से। ठीक है निकाल दो ऐसे सेम। जैसे आई थी वैसे ही गई, वहीं से रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब किस किस को ये रिवाइज अच्छे से हो गए चारों रूल्स? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। आई वॉन्ट टू सी अगर बेटा नहीं हुए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटेड टू योर नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो। आगे 8th में भी, आगे बाकी क्लासेस में भी यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। 7th B समझ आया या नहीं आया? 7th B ओके। सो अब काफियों को समझ आ गया है बेटा, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ बेसिक डायग्राम जो ये वाला है, सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट। हर एक में ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, उसके बाद सोचो इंसिडेंट लाइट कहाँ कहाँ पर पड़ रही है। चार जगह पड़ रही थी, कहाँ कहाँ पड़ रही थी? एक पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस को, सेकेंड में फोकस से होती आ रही थी, तीसरे में क्या था कर्वेचर से होती आ रही थी, और चौथे में सीधा पोल पे पड़ी। सिर्फ ये चीजें जो आपने याद कर ली, ठीक है? सो यू शुड फर्स्टली ड्रॉ बेसिक डायग्राम देन मूव फर्दर, ठीक है? रट्टा नहीं लगाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन। व्हाई पोजीशन ऑफ सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर? ये आपको सर ने बताया था, किसको याद है इसका आंसर? अच्छा मैं पूछ क्या रही हूँ वो बताती हूँ, शायद से कईयों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होगा।
ये कॉनकेव है, यस इसका सी इधर है। जो कॉन्वेक्स है उसका सी अंदर वाली साइड है, दोनों का अंदर वाली साइड है लेकिन उसका पॉलिएस्ट वाली साइड है, ऐसा क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता क्योंकि वो वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज बनने का रीजन डॉटेड लाइंस इमर्जेंट रेज होगी बेटा, वो तो इमर्जेंट रेज होगी है ना, दैट इज डिफरेंट। अब ये मिरर्स हैं क्या, स्फेरिकल है या नहीं है? दीज आर स्फेरिकल मिरर्स, यस तो स्फीयर कैसे बनेगा? ऐसे? यस उसमें भी कैसे बनेगा, कॉनकेव में भी ऐसे, लेकिन क्योंकि कॉनकेव का पॉलिश सरफेस बाहर की साइड से पॉलिश्ड होता है और इसमें अंदर की साइड, तो हमें जो है स्फीयर के अंदर ही लेना होता है, हम इसका जो सी है पॉलिश्ड वाली साइड नहीं ले सकते, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं ले। ये आपको सर ने बताया था बेटा, आप सबको भूल जाते हो, ये सर ने बताया था, इसका रीजन बहुत अच्छे से उन्होंने आपको बताया था कि क्यों हम यहाँ पर, पहले उन्होंने यहाँ ड्रॉ किया था, फिर उन्होंने इरेज किया था, फिर आपको कहा था कि हमने इधर क्यों किया है, क्योंकि इट्स अ स्फीयर, ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर स्फीयर्स, स्फेरिकल मिरर्स। नाउ अंडरस्टैंड? यस ठीक है बेटा, सारा चीजें, अगर कोई चीज की है क्यों क्यों की है यू शुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी रिप्लेस कॉन्वेक्स मिरर बाय प्लेन मिरर इन आर व्हीकल? राइट डाउन दिस क्वेश्चन बेटा, सब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना मत भूलो, ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चंस। नाउ टेल मी, कैन वी रिप्लेस कॉन्वेक्स मिरर बाय प्लेन मिरर इन अ व्हीकल? अगर मेरा रियर व्यू जो साइड, तो नहीं कर सकते, मेरे पास तो है ही नहीं अब। बिकॉज कन्वेक्स मिरर कवर्स मोर एरिया ऑफ द रोड यस, और अगर हम प्लेन कर देंगे फिर क्या हो जाएगा? अगर मैं प्लेन से रिप्लेस कर दूं तो प्लेन क्या करेगा? ऑब्जेक्ट इन कन्वेक्स मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर Closer than a sphere, that's fine. But if I replace convex mirror by plane mirror, so what is going to happen? Can I get the full view of my area on my backside? प्लेन मिरर कैनॉट कैप्चर मोर एरिया देन कन्वेक्स मिरर Yes, main reason is this. If I'm driving a car or any vehicle, ठीक है, और अगर मुझे पीछे का सारा व्यू नहीं आ रहा, मेरे पीछे इससे लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट साइड और एकदम पीछे कितने व्हीकल्स चल रहे हैं और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैंने प्लेन मिरर लगा दिया, उसमें क्या होगा बेटा, मेरे बस पीछे वाला थोड़ा सा वही दिखेगा, ना लेफ्ट दिखेगा ना राइट दिखेगा, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट रिप्लेस कॉन्वेक्स मिरर ऑफ आर व्हीकल्स बाय प्लेन मिरर, और ये भी आपको सर ने बताया था, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन, टेल द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए सर ने आपको बहुत अच्छा निमोनिक बताया था, याद करने का तरीका बताओ क्या है, व्हाट इज द वे टू रिमेम्बर द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय डिमिनिश्ड, प्लेन। इरेक्ट एंड वर्चुअल किसने बताइए, किसने बताई? दैट्स सेवेंथ रियली गुड, दैट्स रियली गुड। अब मैं सेवंथ बी से पूछना चाहूंगी, सेवंथ बी, सेवंथ बी के बच्चे बताएंगे इसका फुल फॉर्म, कोई और नहीं बताएगा, कोई और सेक्शन नहीं बताएगा, सिर्फ मुझे सेवंथ बी से पूछना है इसका फुल फॉर्म क्या है।
डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। दैट्स गुड। सो डिमिनिश्ड। बेटा सब लिख लो, बाय चांस किसी को याद नहीं रहा है, सो यू शुड रिमेम्बर दिस। डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और वर्चुअल इसीलिए होती है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑल थिंग्स आर ऑन विच साइड, इनर साइड। ठीक है, जब हमने बनाया था स्फेरिकल मिरर तो उसमें इमर्जेंट रेज जो है, अगर एक भी इमर्जेंट इमेजिनरी जो लाइन है वो अगर आ जाती है जहां इमेज बन रही है, सो दैट टर्न्स इनटू वर्चुअल। ठीक है, सो राइट डाउन दिस बेटा। हो गया सबका? चलो यस दैट्स फाइन। अब हमने रे डायग्राम की रिवीजन की, किसी ने सोचा व्हाट इज वी अंडरस्टैंड बाय रे डायग्राम एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू ड्रॉ रे डायग्राम? हु कैन टेल मी? इवन ये भी सर ने आपको लिखवाया बेटा, व्हाट इज मेंट बाय रे डायग्राम ऑफ लेंस? हु कैन टेल मी? अंडरस्टैंड दिस टॉपिक यस मैम। रे मैम, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। डायग्राम। यस ओके रेज, व्हाट डू यू मीन बाय रेज? फर्स्टली टेल मी, दिस इज लाइक ना कि सन रेज आ रही है कहते हैं ना, तो रेज से क्या पता लगता है बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेज? लाइट कैन, द रे कॉन बी मैच्ड, सॉरी डोनट मीट, डोनट मीट, डू नॉट मीट रेज। रेज यस बेसिकली वी कैन से इफ लाइट इज कमिंग लाइक दिस सिंगल लाइन, दिस इज अ रे। ठीक है, अब रे डायग्राम मतलब इनका डायग्राम बनाना है, इनका डायग्राम बनाना है। लाइट जो है इस वे में फॉर्म कर रही है, इस तरह से आ रही है, फॉल कर रही है। ठीक है, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट लाइन और लाइट इन दिस फॉर्म। वाई सो? वाई सो? अगर आपने अपना कुछ बताना है, अगर हमें ह्यूमंस का बताना है, तो हम हर एक में ह्यूमंस तो नहीं बना सकते ना, हम क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं, इट रिप्रेजेंट ह्यूमन, यस और नो? यस इट इज इजली अंडरस्टैंडेबल कि हाँ ये तो ह्यूमन है ना, ऐसे करते हैं। सिमिलरली लाइट को दिखाने के लिए वी यूज रेज, वी ड्रॉ रे डायग्राम। अब रेस हमें पता लग गया, रेस क्या है, डायग्राम क्या है? मैम, रे डायग्राम इज दैट डायग्राम्स व्हिच टेल्स अस पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, दैट्स गुड। अब जो है बेटा, जो सेवंथ बी में से जिसने मुझे क्वेश्चन किया कि यू डिडंट अंडरस्टैंड द टॉपिक, फर्स्ट यू टेल मी योर नेम। फर्स्ट बेंच गर्ल, स्मृति, तो बेटा जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे, डिड यू गेट दैट? अभी हमने चार क्वेश्चंस किए हैं, यस सो दैट वाज रे डायग्राम ओनली, वो तो रे डायग्राम ही थे। अच्छा आप मुझे बताओ, आपको रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या ये क्वेश्चन का ही समझ नहीं आता क्या होता है रे डायग्राम? क्योंकि अगर आपको वो समझ आ गया है, यू अंडरस्टूड दैट पार्ट, सो हाउ कैन यू नो यू आर सेइंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस इफ यू अंडरस्टूड दोज फोर क्वेश्चंस? बाय द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली है ना, यस रे डायग्राम क्या होता है, अगर आपसे कोई यही पूछ ले, हमने रे डायग्राम बना ली वो हमें समझ आ गई, लेकिन रे डायग्राम क्या होता है? तो नाउ यू कैन से दैट रे डायग्राम हमने किस लिए बनाए? अभी हमने चार डायग्राम किए, किस लिए किए? हमें ये पता लगा लाइट इधर से आ रही है, जब वो प्रिंसिपल फोकस पे पैलर है या पोल पे पड़ रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ रही है, जाएगी कहाँ, हमें वो पता चल रहा है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है। अगर आपकी क्लास में सपोज कर लो यहाँ पर एक दरवाजा है, तो आपके आने का रास्ता यही है। ठीक है, इंसिडेंट, अब इसको रिलेट करो, इंसिडेंट यहीं पर है। अब आप यहां से अब कहाँ जाओगे? वो
वो डिपेंड करेगा नेक्स्ट आपका डोर कहाँ है, इधर है एग्जिट वाला, इधर है, इधर है, आप सीधे भी जा सकते हो, आप इधर से भी जा सकते हो, आप इधर से भी जा सकते हो, नाउ डिपेंड्स अपॉन कि आपका पाथ क्या है। सिमिलरली अगर आपको ये पता हो कि लाइट कहाँ पड़ रही है सी एफ पी में से, तीन ही थे ना हमारे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इन तीनों में कहाँ पड़ रही है, यू कैन टेल वेयर इट विल गो, सो दैट इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द रे डायग्राम। सो राइट डाउन, इट टेल अस पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, इट टेल्स पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, हमें पोजीशन भी पता लगती है, नेचर भी। अब देखो नेचर हमें कॉन्वेक्स में पता लग गई थी, देव जो भी हमने किया वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, जबकि कॉनकेव में क्या था, रियल था। ठीक है, फ्रंट में बनी है, पीछे नहीं बन रही, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नाउ मूव नेक्स्ट, नेम द बिलो लेंस। अब ये लेंसेज है, ए लेंस क्या है, सो सेवंथ ई, और वेट वेट बेटा, सेवंथ ई एकम इज देयर, सेवंथ ई एकम, एकम इज देयर, यस बेटा, टेल मी ओनली अबाउट ए, ए क्या है, और उसे एक मिनट रुको बेटा, सेवंथ ई से एक और आ जाओ, रोहित, रोहित इज देयर, आई थिंक एब्सेंट, समरजीत, समरजीत इज देयर, ओके, मनवीर, ओके, आप मनवीर और एकम, एकम आप मुझे बताओ ए क्या है, बेटा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक नहीं वर्क कर रहा, माइक नहीं चल रही। ओके, सो सेवंथ एफ से आ जाओ, मनमीत इज देयर एंड समर, मनमीत एंड समर, सेवंथ एफ, मनमीत एंड समर बोथ आर प्रेजेंट, समर कौन इज एब्सेंट, कौन एब्सेंट बेटा, समर समर इज, युवराज इज देयर, युवराज यस आ जाओ, करण गिल यू टेल मी अबाउट द फर्स्ट वन एंड युवराज यू टेल मी द सेकेंड, ए कन्वेक्स और व्हाट ए अबाउट सेकेंड, युवराज आप बताओ सेकेंड क्या है, कनकेव ओके सेट डाउन, सो यस इट्स, इट्स कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स कॉनकेव, ओके सभी नोट डाउन करो बेटा, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक है। अच्छा इनके बीच में अगर मैं यहाँ पर ओ लिख दूँ उसको क्या कहते हैं, व्हाट इट इज, सेंटर सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, दैट्स गुड, वेल डन। अच्छा कौन फास्ट भी है मुझे बता सकता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेक्ट्रम, क्या सेवन कलर्स कलर्स, तो बैंड ऑफ सेवन कलर्स जो रेनबो के होते हैं या व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, सो देयर यू कैन सी स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो आई होप नाउ सबको थोड़ा सा और ज्यादा अंडरस्टैंड हो गया है, रिवाइज हो गया है, यस यस चलो ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय 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 मैम, 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 बाय बाय, हैप्पी दिवाली मैम, हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली, विशिंग यू वेरी प्रॉस्पेरस थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली।